करांगे पंजाब बीजेपी की मिशन 2022 के लिए पंजाब बीजेपी ने तैयारी खिंच ली है। लुधियाणा के विच पंजाब बीजेपी की अहम बैठक हो रही है। सूबा प्रधान अश्विनी शर्मा की अगवाई के विच बैठक हो रही है। 2022 दी चोणां नूं लैके रणनीति बनाई जा रही है, रणनीति घड़ी जा रही है कि आम लोगों तक किवें पहुँच की जाए, क्योंकि लगातार हर पार्टी के वलों 2022 दी चोणां नूं लैके जोर अजमाइश की जा रही है। अकाली दल सरगर्म नज़र आ रहा, कांग्रेस सरगर्म नज़र आ रही है, आम आदमी पार्टी की गल की जाए तो अरविंद केजरीवाल खुद लगातार सरगर्म नज़र आ रहे हैं। पंजाब दे विच आ के व्यापारियों के नाल किसानों के नाल राबता कायम किया जा रहा है। इस दे विचाले बीजेपी भी सरगर्म नज़र आ रही है। मिशन 2022 नूं लैके पूरी तैयारी जिहड़ी आ उह बीजेपी वल्लों भी खिंची गई है। हालांकि आने वाले दिनों दे विच कई तरह दी जिहड़ियां संभावनावां ने कि तब्दीलियां आ सकदियां, जिवें कि कैप्टन अमरिंदर कह चुके जेकर किसानी मुद्दे का हल हुंदा है तां उह बीजेपी नाल हाथ मिला सकदे ने, उहनां दे नाल सीट शेयरिंग हो सकती है। आने वाले दिनों दे विच बहुत कुछ साफ होवेगा, पर बीजेपी वल्लों अपने पद्धर ते भी तैयारी पूरी तरह खिंची गई है ते मंथन किया जा रहा है। अश्विनी शर्मा जिहड़े पंजाब बीजेपी के प्रधान ने उन्हां दी अगवाई दे विच बैठक हो रही है, मंथन किया जा रहा है, रणनीति तैयार की जा रही है। इस खबर से ज़्यादा जानकारी लई लुधियाणा तो मेरे सहयोगी रोहित गौड़ जुड़े हुए हैं। रोहित, जिथे दूजियां पार्टियां जोर अजमाइश कर रही ने, हुण मन्निया जाए कि बीजेपी के वल्लों पूरी तैयारी खिंच ली गई है, मंथन किया जा रहा है, रणनीति तैयार की जा रही है, बैठक बारे की अपडेट है, कौन कौन इस बैठक का हिस्सा बनया होया? जी बिल्कुल परमिंदर, मैं तुम्हें दसना चाहूंगा कि लुधियाना शहर के लोकल लीडरशिप के नाल बैठक की गई है और तमाम जिन्हें भी लोकल लीडर है वो इस बैठक के मौजूद थे तो उन्होंने इसी चीज उत्ते डिस्कस किया गया कि 2022 के चुनाव के किस तरीके पंजाब बीजेपी की जी लीडरशिप है किस तरीके जमीनी स्तर के उत्ते काम करेगी और उस अश्विनी शर्मा वालों कई मुद्दों उत्ते टिप्पणी भी की गई है। जेकर गल की जाए तो जे कयास लगाए जा रहे हैं कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी से शामिल हो सकते हैं, इस चीज बारे भी जो उन्होंने असं पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हरेक शख्स मौलिक अधिकार है वह किसी भी पार्टी के किसी भी जगह से किसी भी समुदाय के नाल जुड़ सकता वै। तो दूजे पासे उन्होंने जोड़े अपना पंजाब 2022 के चुनाव में लैके उन्होंने ये चीज बिल्कुल साफ की है कि 117 सीटों के उत्ते उन्होंने जी है बीजेपी की लीडरशिप जी है अपनी उम्मीदवार उतारेगी और जगदीश टैंडर लैके भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। पंजाब दे जी कांग्रेस है दे पंजाब मुख्यमंत्री है कैप्टन सॉरी चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब बीजेपी के जे प्रधान है नवजोत सिंह सिद्धू उन्होंने उत्ते भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा था कि इन्हों इस नियुक्ति के उत्ते जी लोकल जी पंजाब लीडरशिप हैगी है कांग्रेस की उन्होंने जवाब देना पैना है और दू तीजा जोड़ा मुद्दा उन्होंने उन्होंने कहा किसान मोर्चे को लैके भी उन्होंने एक साफ तौर पर कहा कि किसान मोर्चे के कुछ ऐसे लीडर है जेडे कि इस मुद्दे को हल नहीं होना चाहते क्योंकि उन्हों की सियासी जी रोटियां वो उन्होंने सिक्कियां बंद हो जाएगी। तो तमाम इन चीजों उत्ते जे जे पंजाब बीजेपी के प्रधान अश्विनी शर्मा थे उन्होंने इस चीज़ उत्ते गलबात की। ठीक है, ठीक है रोहित, फिलहाल की पूरी जानकारी थोड़ा बहुत धन्यवाद। सो मिशन 2022 लिए पंजाब बीजेपी के वल्लों तैयारी पूरी तरह खिंच ली गई है, मंथन किया जा रहा है, रणनीति तैयार की जा रही है ते पंजाब बीजेपी प्रधान अश्विनी शर्मा की अगवाई के लुधियाणा के बैठक हो रही है। हुण गल करांगे दिल्ली के बॉर्डर की, किसानों की टिकरी बॉर्डर से राह खोलन नूं लैके मतभेद अजे भी बरकरार है। अज भी किसानों ते प्रशासन की बैठक हुई पर यह बैठक भी बेनतीजा रही। महज 15 मिनट ही दोवां धिरां दे विचकार यह बैठक चली, किसान 5 फुट तो ज़्यादा राह देण नूं तैयार नहीं ने। हुण किसान आपस दे विच बैठक करके अगली रणनीति तैयार करनगे। किसानों का यह तर्क है कि जेकर रस्ता पूरी तरह खोल दिता गया तो कितना कितने जिहड़ियां घटनावां वापरन दा खर्चा जिहड़े वाहन निकलणगे जदों आवाजाई होएगी तो किसी ना किसी तरह की कोई वड्डी घटना वापर सकदी है। तो यही खदशा जताउंदे किसानों का कहना है कि वह 5 फुट तो ज़्यादा जिहड़ी आ रस्ता नहीं खोलणगे। एक ही इशू है जी, रास्ते खोलने का जी, प्रशासन रास्ते खोलना चाहता है, हम पूरा रास्ता खोलने के लिए सहमत नहीं। इसलिए सहमत नहीं है कि 11 महीने हो गए बैठा पूरे मकान बनाया, पूरे घर बनाया, दोनों रोडों पर आम लोग बैठे आ। अगर पूरा रास्ता खोल दिया जाता है तो रात को सुते पे आ लोग, कोई अणकटराल हो गया बड़ा व्हीकल तो कितनिया जाना खतरे के आनगियाँ। ये चिंता का विषय हमारे लिए तो है, प्रशासन के लिए कोई ये विषय नहीं है। इसलिए असी 5 फुट के रास्ते पर सहमति देते हैं कि आम पब्लिक को आने जाने दिया जाए, पर दिल्ली सरकार ये चाहती है कि दिल्ली के नो एंट्री तो हरियाणे के जाके एंट्री हो। ये बिल्कुल हमारा तो मकसद, क्योंकि इंडस्ट्री वाले सिर्फ हाथ ही जोड़ रहे हैं, प्रशासन को भी किसान भाइयों को भी
क्योंकि हमारी इंडस्ट्री के लोग मरे पड़े हैं, कोविड ने मार दिया। अब ये इतने टाइम से इंडस्ट्री, अब थोड़ा सीजन का टाइम आया है, हमारी लेबर सारी दिल्ली भाग के दिल्ली काम कर रही है। 7,000 वर्कर जो 7 लाख वर्कर जो यहाँ नौकरी करते हैं सब बेरोजगार होने के हैं, क्योंकि वर्कर को क्या चाहिए, जहाँ भी तनख्वाह मिलती है उन्होंने क्या बॉर्डर पर इस तरह पैदल घूम के आना है, कैसे करना है। तो इस तरह का इतनी बड़ी एक विकट समस्या हमारे लिए हो रही है कि हम क्या करें। अभी हमारी इंडस्ट्री 50% इंडस्ट्री बंद पड़ी है, लोग अपने घरों से निकल के नहीं आ रहे। अब किसान भाई अड़े हुए हैं, भाई 5 फुट का रास्ता, 5 फुट के रास्ते से क्या करना है। फिर तो ना भी खुले तब भी कोई बात नहीं, 5 फुट में सिर्फ कोई अपने घर से फैक्ट्री से पैदल तो आएगा नहीं फैक्ट्री में, तो गाड़ियों से ही आना है। अगर गाड़ी से वो एंटर ही नहीं हो पाएगा तो फिर उसका कोई समाधान ही नहीं है। अब तो बहुत हमारे लिए विकट समस्या होती जा रही है, यहाँ से इंडस्ट्री प्लान करनी शुरू। किसान आंदोलन के चलते लंबे समय से बंद टीकरी बॉर्डर की बंद सीमा को खोलने के लिए दिल्ली पुलिस ने कोशिशें की थी। रात के समय कंक्रीट की दीवार को भी हटा दिया गया था। टीकरी बॉर्डर की सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो कंक्रीट से 10 फीट चौड़ी दीवार बनाई गई थी, उस दीवार को पूरी तरह से हटाने का काम यहाँ से पर किया गया। करीब 40 फीट का ये रास्ता दिल्ली पुलिस ने रात के समय खोला है। लेकिन जो किसानों और पुलिस अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में बैठक हुई थी, उस बैठक में सहमति बनी थी कि इस बॉर्डर को खोलने के लिए रास्ता जो है 5 से 10 फीट का खोला जाएगा, क्योंकि कार यहाँ से नहीं गुजरनी थी। सिर्फ जो पैदल राहगीर हैं, मोटरसाइकिल हैं, दोपहिया वाहन हैं या फिर एम्बुलेंस, उसी को यहाँ से रास्ता देने पर बात हुई थी। लेकिन रात के समय किसानों से बातचीत किए बिना ही पुलिस ने ये रास्ता खोल दिया है, जिसका किसानों ने जमकर विरोध किया। किसान अब चाहते हैं कि ये रास्ता जो है बाद में खोला जाए। अभी फिलहाल किसान नेता हैं, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये रास्ता खुलने पर आपत्ति क्यों। हाँ, बार बार यही कह रहे थे कि जब दिल्ली पुलिस ने रास्ते बंद कर रखे हैं तो दिल्ली पुलिस सब खोल रही है लेकिन आप खुलने नहीं दे रहे हैं। हमारी आपत्ति इसलिए है कि हमारी कोई भी किसी भी प्रकार की सुरक्षा जो है, कोई सुरक्षा का हमारी का कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा। 2 दिन पहले हमारी 3 माताएँ शहीद हो गई ट्रक चढ़ने से, उसको दुर्घटना मात्र बता करके उसको ख़त्म कर दी गई। कहने को कंक्रीट की जो दीवारें बनाई थी ये प्रशासन ने बनाई थी, इनको तोड़ भी देते तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन यहाँ किसानों के पास में बैरिगेटों को हटाने का प्रयास जब किया गया तब हमने आपत्ति जताई है। उधर टीकरी बॉर्डर से कल हुए हंगामे से किसान आगू बलबीर राज्यवाल ने अपील की है कि किसान संजम बना के रखन। बॉर्डर के उत्ते वख वख नाकों उत्ते बैठे किसान भैनों ते भरावो, दिल्ली सरकार दिल्ली के बॉर्डर से जो रोकां लाईआं सी उन्हां नूं हटा रही है, बॉर्डर नूं खोल रही है। ते साडे किसान भरावां विच कई बार इस तों चिंता पैदा हुंदी है, जिस तरह कल राती टीकरी बॉर्डर ते होया। मेरी तुहानूं सारिआं नूं अपील है कि सरकार बुखला चुकी है और सुप्रीम कोर्ट विच इह कहना चाहुंदी है कि असीं तां बॉर्डर खोल दित्ते, किसान नहीं खोल रहे। सानूं इस लई खतरा इक्को है, इस नाल वड्डा जो वड्डा ट्रैफिक चलेगा उस नाल हादसे होणगे। ते मेरी तुहानूं सारिआं नूं अपील है कि इह उह समां है जदों मोदी सरकार नूं सारी दुनिया विचों लाहनतां पै रहीआं हन। तुहाडा मोर्चा सिखर ते गिआ होइआ है, इस लई सारे शांत रहो, डिसिपलिन विच रहो, तुहाडा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकदा। साडे कोल